देखिए, आज अजमेर के लिए एक बेहद बुरी खबर है कि अजमेर के अंदर एक पॉजिटिव कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस मिला है, जहां पर 23 वर्षीय एक युवक है पंजाब का। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। वो डिग्गी बाजार इलाके में रहता था, जिसका नाम था मोहम्मद फैजल खान। और फैजल जो है वो यहाँ पर पंजाब से आया था, सेल्समैन का काम करता था। उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। फैजल को जो मेडिकल की टीम है उन्होंने पहले ही होम आइसोलेशन में रखा था, लेकिन 26 तारीख को फैजल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उसके बाद जब रिपोर्ट आ जाती है तो वो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो अगर हम फैजल की बात करें तो फैजल की जो हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री इस वक्त मेडिकल टीम को मिली है, तो उसके अंदर ट्रेवल हिस्ट्री के अंदर फैजल ने बताया है कि 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक जो फैजल रहा है वो हरियाणा, पंजाब और रोहतक, सोनीपत के अंबाला के इलाकों के अंदर रहा है। इसके साथ में जलंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, इन इलाकों के अंदर भी फैजल जो है वो यहाँ पर रहा है। कि इसकी 1 से 22 मार्च की ट्रेवल हिस्ट्री है। 22 मार्च को फैजल जो है वो अजमेर आया था और अजमेर में आकर रुका था। अजमेर जब आया था तो मेडिकल टीम ने फैजल को, क्योंकि 22 तारीख को पूरे देश के अंदर जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, और ऐसे में जब फैजल अजमेर पहुंचा तो फैजल को तुरंत प्रभाव से वो स्टेट एट होम वाली कंडीशन में कर दिया गया था, यानी कि होम आइसोलेशन में फैजल को रखा गया था। लेकिन उसके बाद में जब फैजल को तबीयत और खराब हुई तो फैजल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। और उसके बाद में उसकी जांच रिपोर्ट जो है 26 तारीख को कुछ सैंपल उसके आई थिंक मेडिकल टीम ने लिए थे। इसमें ऑफिशियली जो कमिटी बयान है, अभी जो प्रेस ब्रीफिंग है वो होना बाकी है, लेकिन जो मेडिकल टीम का जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट अभी हमारे हाथ लगी है, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही हम आपको पूरी जानकारी इस वक्त हम ये दे रहे हैं। और इसके साथ में इसमें ताजा बयान भी आ रहे हैं इस वक्त कि अब हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में बैठक ले, महत्वपूर्ण बैठक ले, और उस बैठक के बाद में कड़े फैसले भी ले। हालांकि डिग्गी बाजार का जो इलाका है, इस इलाके के लिए मेडिकल टीम रवाना हो चुकी है। मेडिकल टीम लगातार आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है कि फैजल घर से बाहर तो नहीं निकला था, निकला था तो किन इलाकों में गया था, आस पड़ोस में कहीं गया था, दूध की डेयरी तक गया था, सब्जी लेने के लिए गया था। इन तमाम चीजों की अभी पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही है। फैजल का जो सारा रिकॉर्ड है वो आ चुका है, ट्रेवल हिस्ट्री आ चुकी है, और इसके आधार पर आगे की जो प्रक्रिया है जांच की वो अब शुरू हो गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि फैजल की जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट में घुसने की हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री के आधार पर कई चीजें बहुत परेशानी और बहुत टेंशन देने वाली लगती है। लेकिन इसके अंदर हम ये चीज मान सकते हैं कि क्योंकि जनता कर्फ्यू 22 तारीख को लग चुका था और उसके बाद में लॉकडाउन राजस्थान के अंदर हो चुका था, तो इसलिए फैजल पूरे अजमेर के अंदर किसी इलाके में नहीं गया होगा अपने घर की। अगर रहा है तो ज्यादा पैनिक होने वाली सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त है। अगर कोई दिक्कत की बात भी होती है तो उसके घर से ही होती है, कि उसके घर के अंदर इस वक्त कौन कौन लोग रहते हैं। अभी तक हमारे पास में ये पूरी जानकारी नहीं आई है कि यहाँ पर किराए के मकान में जिसमें भी ये रहता था वहां पर कितने लोग और रहते हैं, और उनसे किस तरीके से संपर्क में फैजल रहा है। लेकिन मेडिकल की जो टीम है वो आस पड़ोस के पूरे इलाके को इस वक्त गहनता से वहां पे जांच कर रही है, उनका सर्वे का काम लगातार अब जारी है, मेडिकल की टीम पूरी मॉनिटरिंग अब करने में। लेकिन एक बड़ी समस्या इस वक्त जो है वो मीडिया के सामने भी जो आ रही है, और जो हमको बताने में भी दिक्कत हो रही है, कि फैजल की पूरी जानकारी के लिए जब हम CMHO को फोन लगाते हैं, लगातार हमारे मीडिया के दूसरे साथी लगाते हैं, तो हमको वो जानकारी है, वो इनपुट्स हमको नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा संशय बना हुआ रहता है। चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि आखिरकार फैजल की जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो केवल यही है या इसके अलावा भी अजमेर की जो हिस्ट्री है वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन इस मामले के अंदर अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी का बयान भी आया है, उन्होंने भी एक बाइट दी है, तो हम चाहेंगे दर्शक उसको भी। जैसा कि इस महामारी के लिए प्रशासन ने कदम उठा रखे हैं, काफ़ी लोग आइसोलेशन में भी हैं। अभी जानकारी मिली है कि खारी कोई सलावट मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति था, वो पंजाब, हरियाणा, 2-3 राज्यों में घूम करके लौटा था। आते ही इसको कुछ सिम्टम दिखे तो इसको आइसोलेशन में डाल रखा था। उसकी पहली एक रिपोर्ट तो नेगेटिव भी आई थी, लेकिन अब दूसरी रिपोर्ट में पूरे संकेत हैं कि वो पॉजिटिव की ओर आ रही हैं। हालांकि अभी भी प्रशासन जयपुर से प्रतीक्षा कर रहा है। उससे पहले 1 किलोमीटर की रेंज पे हमारे CMHO ने उसकी सर्वे कराना शुरू कर दिया है,
और प्रशासन ने भी 500 मीटर तक का जो है उनसे सारा सील बंद किया है ताकि कोई नहीं ला सके, ताकि लोग भी ये बताएंगे किस किस से मिला है ताकि उचित कदम उठाए जा सके। लेकिन इस पर जनता को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग अपना मनोबल बनाए रखते हुए और जो सावधानियां प्रशासन ने बताई कि अपन घर से न निकलें, इस सावधानी को बरतेंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बच पाएंगे। अजमेर शहरवासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अजमेर शहरवासियों से अपील करूँगा, ये जो लॉकडाउन हुआ है सब अपने अपने घरों पर रहें, जहाँ तक आवश्यकताएं हैं पड़ोस की किराने की दुकान से खरीदें, सब्जी वाले से खरीदें, इस बहाने बाहर न निकलें, क्योंकि आगामी ये 3-4 दिन बड़े ही हमारे लिए सबके लिए संक्रमण काल के हैं। हम सब इस सावधानी से पार कर गए तो निश्चित रूप से अजमेर ज़िला जो अभी तक बचा हुआ है धीरे धीरे बच करके हम अपनी जान को बचाएंगे, जान को जोखिम में न डालें। बाकी ये तो आवश्यकताएं अपनी पूरी हो जाएंगी, लेकिन अपने को जान को सुरक्षित रखते हुए हम सब अपने घरों पे लॉकडाउन का अक्षरतः पालन करें, आवश्यकता होने पर प्रशासन को फ़ोन करके हम लोग जानकारी। दादा जो आया उसका परिचय क्या है और नाम क्या होगा? नाम की भी पूरी जानकारी प्रशासन दे रहा है। प्रशासन को टीम को पता है या आ गया के कोस्टोनी से बात करी आपने? मैंने CMHO साहब से बात की और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेलिन से भी बात की। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।